तो हेलो दोस्तों, आज मैं हूं तुम्हें नई लोकेशन पे बताने। तो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं आपको नन्ना मंदिर, जो कि कुमराज क्षेत्र का सबसे मशहूर मंदिर है दोस्तों। और जो मंदिर देख के आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, देखने से ही हो जाएगी दोस्तों। तो चलते हैं, आगे बताते हैं, आइए। ये सीढ़ियां का तो मुझे मालूम नहीं कितनी सीढ़ियां हैं, पर इतनी सीढ़ियां हैं, देखने में कम लग रही है दोस्तों, पर चढ़ने में आधा घंटा का समय लग जाता है। तो आइए दोस्तों आगे। तो दोस्तों ये देखिए सीढ़ियां, बहुत सारी सीढ़ियां हैं दोस्तों जी, देखिए कितनी बड़ी सीढ़ियां हैं दोस्तों। ये देखने में कम लग रही है दोस्तों, करीबन 500-700 के करीबन सीढ़ियां होगी जी। ये देखिए दोस्तों मंदिर वहां पर है, तो बताते हैं दोस्तों, आइए दोस्तों। बहुत सारी सीढ़ियां दोस्तों, बहुत सारी सीढ़ियां हैं, एक दो नहीं है, काफी सीढ़ियां। हम चढ़ जाए कम से कम 20-25 सीढ़ियां चढ़ चुके हैं दोस्तों। और आइए दोस्तों आगे। तो दोस्तों बहुत सारी सीढ़ियां चढ़ चुके हैं, फिर भी अभी मंदिर नहीं आया है, अभी मंदिर काफी दूर है दोस्तों, और मेरी तो सांस फूलने लगी है दोस्तों। तो देखते हैं कब मंदिर आएगा, अभी काफी सीढ़ियां चढ़ चुके हैं, जब भी मंदिर आने का नाम नहीं ले रहा है दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, काफी ऊंचाई पे आ चुके हैं हम, और मेरी तो दोस्तों सांस फूल चुकी है दोस्तों, जरा मैं आराम कर लेता हूँ, मैं थक चुका हूँ, इतनी सारी सीढ़ियां हैं। यहाँ से अगर नीचे का नजारा बताएं दोस्तों, तो आप देखिए नीचे का नजारा, ऊपर आ चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हमने बैठ कर सत्ता लिया है, और मैंने टोपी भी निकाल दी, गर्म लगने लगी थी दोस्तों। तो चलते हैं अब और ऊपर, देखते हैं कब मंदिर के दर्शन होते हैं, कब भगवानों के दर्शन होते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, लंदेज वाले बहुत सीढ़ियां हैं दोस्तों, अभी देखने में ये लग रहा होगा कि यहीं पर है मंदिर, पर काफी दूर मंदिर है दोस्तों। फिर ये है कि सीधे सेक्ट में मंदिर है, इसलिए आपको पता लग रहा होगा, पर काफी सीढ़ियां हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमने कर लिया है 10-15 मिनट का विश्राम, तो अब हो गए हम टनाटन, कुछ भी जो थक तुक चुके थे, जो पैर दुख रहे थे, अब वो पैर कम दुख रहे हैं दोस्तों। तो चलते हैं मंदिर की ओर, बढ़ते हैं, देखते हैं दोस्तों मंदिर कितनी देर में आता है। अब तो अभी भी दोस्तों काफी दूर है, देखने में कम लगता है ये मंदिर, चढ़ने में मालूम पड़ता है कि जब चढ़ते हैं तो एक एक सीढ़ी चढ़ना भारी हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इस मंदिर में जरूर आएं और अपनी सरकारी नौकरी की इच्छा जरूर पूरी करें दोस्तों। इस मंदिर में आपकी सरकारी नौकरी जरूर लग सकती है दोस्तों। तो जो लड़के बाहर पढ़ रहे हैं दोस्तों, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, वो अब इस करके यहाँ आए, क्योंकि दोस्तों इस मंदिर में दर्शन करने से इंजीनियर बन जाएंगे दोस्तों। Oh my God! Wow! रियल बात है दोस्तों। और मास्टर वाले तो भले ही जाए तक ही आ जाए दोस्तों, इतने में काम चल जाएगा उनका। तो दोस्तों हम आ गए हैं मंदिर के पास, फाइनली दोस्तों अब आ गए हम मंदिर पे। तो इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद अब जाके आया है हमारा ये मंदिर। तो आइए दोस्तों आपको बताते हैं मंदिर कैसा है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं मंदिर की घंटी बजाता हूँ दोस्तों, घंटी तेज नहीं बज रही है, पता नहीं क्यों नहीं बज रही है, पर जो भी है अच्छा है। आइए दोस्तों आगे बताते हैं मंदिर। तो दोस्तों ये है मंदिर, कांच के दरवाजों से मंदिर अभी पैक है दोस्तों, अभी
अभी कहाँ कांच के दरवाजे से जो पैक देख सकते हो, और नीचे जो दान पेटी रखी है दोस्तों, वो रखी है तिजोरी वगैरह जो रखी है दोस्तों। और इस मंदिर में लिखा हुआ है दोस्तों, महिलाओं और लड़कियों का आना मना है, अंदर घुसना मना है। वैसे तो आती है दोस्तों, पर अंदर घुसने की लिख रखी है, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं, सवा सकते हैं, ऐसी कोई वो नहीं है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये इधर परिक्रमा मार्ग है दोस्तों, ये बताइए दोस्तों, ये परिक्रमा मार्ग है। और इधर से मंदिर का सीन देखिए दोस्तों, जब चारों तरफ से कांच ही कांच लगे हुए हैं दोस्तों इसमें, पर जो पीछे की दीवार पे कांच नहीं है दोस्तों, ये देखिए पिछली दीवार पर कांच नहीं है, और आगे और दोनों साइडों पर कांच है। इधर देख सकते हो आप, ये कांच लगे हुए हैं दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये कांच ही कांच लगे हुए हैं, और बहुत शानदार मंदिर है दोस्तों। और जहां पर ये देखिए दोस्तों, ऑटोमेटिक मशीन लगी है, झालर शंख क्या क्या बजते हैं उनके, ऑटोमेटिक मशीन है दोस्तों, जो मोटर से लाइट से चलती है दोस्तों। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, जिससे कि हम अच्छी अच्छी आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो दोस्तों, अब हम उतर रहे हैं सीढ़ियों को, उतरने में परेशानी नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि उतरने में आसानी रहती है, क्योंकि इधर में चढ़ने में परेशानी रहती है, उतरने में तो बिल्कुल बड़े आसानी से उतर सकते हैं, और मैं भाग कर भी जा सकता हूँ, पर ये डर है कि भागने में कहीं ज्यादा स्पीड हो जाए तो मैं रुक ही नहीं पाऊँ। तो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया दोस्तों। उतरने में जी सीढ़ियों को कोई परेशानी नहीं होती है, पर चढ़ने में जरूर काफी परेशानी होती है दोस्तों। देखिए दोस्तों, काफी दूर है अभी तो, हमारी हमारी जो बाइक रखी है दोस्तों, वो बहुत दूर रखी है अभी, पर अभी तो हमें काफी सीढ़ियां उतरनी है, पर उतरने में ज्यादा समय नहीं लगता है दोस्तों, हम 10-15 मिनट में उतर सकते हैं सीढ़ियां, इतना ही समय लगता है दोस्तों। तो दोस्तों, अभी हम काफी उतर गए हैं, और थोड़ा हमने दोस्तों विश्राम कर लिया था, विश्राम क्योंकि छाई थी, अच्छी छाई थी दोस्तों, क्योंकि आज मौसम है सुहाना, काफी दिनों बाद अच्छी धूप निकली है दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों, हम कितनी देर में उतर पाते हैं ये सीढ़ियाँ, मालूम नहीं दोस्तों सीढ़ियाँ कितनी है, अगर कोई जानता हो इन सीढ़ियों के बारे में तो जरूर कमेंट में बताना कि ये सीढ़ियाँ कितनी है, क्योंकि दोस्तों ये नहीं है कि आपसे बात करें नहीं, तो मैं किसी दिन गिनूंगा जरूर, ये सीढ़ियाँ जरूर गिन के बताऊंगा दोस्तों कितनी सीढ़ियाँ हैं जी। देखते हैं दोस्तों हम कितनी देर में नीचे पहुंचते हैं। वैसे तो दोस्तों यहाँ पर रोड वगैरह भी है ऊपर जाने के लिए, फिर रोड से हमने गए दोस्तों, क्योंकि आपको बताना था ये सीढ़ियाँ कितनी है, और पहले यही सीढ़ियों का इस्तेमाल किया जाता था दोस्तों, अगर दर्शन करने। आई होप दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, जिससे कि हम तो तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर किया करें, जिससे कि मैं आपकी सपोर्ट की जरूरत है दोस्तों, मुझे आपकी सपोर्ट की सख्त से सख्त जरूरत है दोस्तों, तो सपोर्ट कर दिया करो यार भाई के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।